अरे भैया ने भाई, राम राम। अंधेरा हो लिया है, रात हो ली है। अरिब, आपने हर पार्टी के बड़े बड़े आदमियों के फैन देखे होंगे। एक विशेष फैन से आपको मैं मिलवाता हूँ, और वो क्या नाम भाई साहब आपका? सुमेर नैन जी। मैं नाम याद नहीं रहते ना, मेरा भूल जी हूँ मैं नाम। तो हमारे सुमेर नैन जी हैं, और जो सच्चा खेड़ा गाँव से हैं, सच्चा खेड़ा ना जी। और विशेष बात यह है, उनकी बाइक और उनका पैशन देख कर मैंने सोचा भी उनकी एक स्पेशल उनकी वीडियो बना लेता हूँ, तो उनसे मैं दर्शन करा देता हूँ आपके। उन्होंने बाइक, मैंने पूछा भी पेंट कब करवाई या जो डिज़ाइन है कब बनवाया, बोले जिस दिन झंडे का डिज़ाइन आ गया था उसी दिन मैंने मेरी बाइक को डिज़ाइन करवा लिया था। तो उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई जी। राम राम जी। और जी ठीक है जी? ठीक है। ये बाइक तीन पहिए, मैं हैंडीकैप्ट हूँ इसीलिए मैंने ये बाइक तैयार करा रखी। अच्छा, हैंडीकैप दोनों ही पाँव? दोनों पाँव से। क्या हो गया? पोलियो है? पोलियो पोलियो पोलियो, पोलियो है। हाँ। तो तकलीफ तो सारा दिन होती हो? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, नहीं है। जीना है तकलीफ से क्या जीना, दिल खोल के जीना। दिल खोल के जीना। हाँ। काम क्या कुछ करो आप? काम जी अपना ढाबा है, सच्चा खेड़ा। सच्चे खेड़े, किस नाम से? सुनहरे पल ढाबा। सच्चे खेड़े में सुनहरे पल से एक नाम ढाबा है। सारे जाइयो भाई, उस साइड में जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा। मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो यहाँ पे पार्टी में क्या इंटरेस्ट आया आपका? पार्टी में थोड़ा सा, पार्टी में मेरे दादाजी, आपके दादाजी थे? हाँ जी। अच्छा, फिर वो इलेक्शन के टाइम पर डेथ हो गई थी उसकी। हाँ जी, इलेक्शन के टाइम पर डेथ हो गई थी उसकी। कैसे हुई, क्या हुआ? वो वैसे वोट मांगने गए तो डाला साहब के वर्कर। अच्छा जी। तो कांग्रेसी आ गए, वो बोले निबलिया था हुआ आप निबलिया का वोट दे दिए। निबलिया भाई था हमें वोट दे दिए, निबलिया का मामे वोट दे देंगे। तो फिर निबलिया भाई हलवा करवाओ, उसे टाइम पर उसकी हार्ट फेल हो गया, मौके पर वो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, हार्ट फेल हो गया। हाँ जी। चलो जी, सॉरी फॉर इस क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं जी, कोई बात। दिग्विजय जी, दुष्यंत जी, आपसे मिलते रहे हैं? हाँ जी, मिले हैं, बहुत दो तीन बार मिली, कोई दिक्कत नहीं, मिल जावे हैं। हाँ जी। नेचर कैसा लगा उनका? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, शांति रहे दिमाग में, दिल में भाई, मिल जावे हैं, दिल खुश। अच्छा, अपने ढाबे पे कर पाए हैं कभी? नहीं जी। तो फिर कद बुलावा? कभी भी, मोस्ट वेलकम। जैसे ही इलेक्शन कल जीत जाओगे तो बुला लियो, फिर इनवाइट कर लियो। नहीं, कल ना तो इधर का हैंडल होगा। अच्छा, नरवाना रोड पाऊंगे तो तब भी जरूर आऊंगे। आप जब कंपेनिंग करो इस बाइक पे? हाँ जी। तो तकलीफ तो होती होगी? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं। कारण? कारण तो भाई बता, हालत के पैडल ना पड़ा है, लेकिन जोश है। हाँ जी, पूरा जी, पार्टी का जोश है पूरा जी, पूरा। उसमें फिर लगता नहीं भाई मैं कोई दिक्कत में हूँ? नहीं, कोई दिक्कत में नहीं जी। चेहरे पे स्माइल? बिल्कुल जी। कोई इस बात ने महसूस भी करो कई बार भाई पाँव नहीं होता, अगर पाँव होते तो मैं और अच्छे से कर पाता? सारा आदमी की चाहत है भाई मैं 100% रहूं, फिजिकल फिट रहूं। कैंपेनिंग होती अगर मैं ठीक होता तो? हाँ जी। जब आप कहीं जाओ लोग आपने जानते तो होंगे? बहुत जी, बहुत जाना जी, बहुत जाना है। हाँ जी। अच्छा, अब क्या चाहते हो अगर दिग्विजय जी इलेक्शन जीत जावे, आप क्या चाहते हो? कोई भाई हर आदमी की आगे निकलने की तो चाह हुआ है, कुछ ना कुछ नौकरी दे मिल जाए, वही चाहत, वही चाहत है। हाँ जी। तो फिर दिग्विजय जी से इस बारे में कोई बात हुई? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं हुई। हाँ जी। लेकिन चाहत तो है? हाँ जी, चाहत। कोई ना कोई काम धंधा परमानेंट हो जावे। हाँ जी। आराम से जिंदगी जिंदगी हो जावे, उसका सारा कट जाए, जिंदगी सारा कट जाए। हाँ जी। तो जी, ये जो हमारे मित्र हैं, अगर दिग्विजय जी, दुष्यंत जी, इनकी बात अगर सुनते हैं, अगर वो कल इलेक्शन जीत जाते हैं तो इनकी जरूर सुने। 100% जीतेगा भाई, 100%। तो भाइयों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और कोशिश करियो दिग्विजय दुष्यंत जी तक यह वीडियो मेरी पहुँचाए। धन्यवाद भाई, राम राम।